तो फ्रेंड्स ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि दीपावली की सफाई के लिए जोर शोर से काम लगा हुआ है। तो ये वैक्यूम क्लीनर से सारा सफाई कर रहे हैं, किचन से स्टार्ट हम लोगों ने किया है। गद्दा गद्दा हो गया, गद्दा गद्दा। तो ये हम लोग सफाई जो है शाम के 7 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और मैंने खाना में रोटी बना लिया और रोटी एंड सेवई और सुबह का सब्जी है। तो हम लोग मिलकर इसे आज किचन को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली स्कूल से आने के बाद और ये जब ऑफिस से आते तभी टाइम मिल पाता है। तो हम लोग दोनों मिलकर फटाफट जो है सफाई करें। वैसे टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, देखने में बहुत ही ये लग रहा है, बट दीपावली का सफाई करने में तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो देखते हैं कि कितना समय लगता है। और ये बीच बीच में कुछ एनर्जी लेना चाहिए, तो एनर्जी के रूप में हम लोग चाय बीच बीच में बनाकर पी रहे हैं। चाय की भी व्यवस्था है, अगर टूटा तो अच्छा आइटम भाई आराम से उतारना। अरे नहीं भाई, उसका कैंटी भाई भूल रहे, आराम से करो। हाँ अपने वाले चीज डालो का पैसा। हाँ आराम से चुपचाप निकालो। नहीं ज्यादा नहीं, चुपचाप अच्छे से उतारो और अच्छे से रखो। सब दोनों को चाय पानी पिला रहे हैं भाई, चाय पिला पिला के काम करवा रही है। हाँ तो चाय बना के पिला रहे हैं ना। ऊपर चाय अभी बनाया है। और ऊपर ऊपर कैसे होता फिर? हाँ चाय आप बनाया है। हाँ खाने के लिए तुम अपना सूट कर लिया। झूठ निकाले भी नहीं। तो हम लोग चाय पीकर फिर से काम पे लग गए। साथ में मिलकर सर सफाई करने में पता भी नहीं चलता है और अच्छा भी लगता है और सारा हो भी जाता है। तो हम लोग दोनों और सर भी बहुत हेल्प कर देता है बीच बीच में। इस तरह से हम लोग दोनों मिलकर जो है सामान इधर से उधर शिफ्ट करते हुए सारा सफाई कर रहे हैं। और चूँकि हम लोगों को जो है शाम में ही टाइम मिल पाया, तो हम लोग रात में ही इसे कर रहे हैं, है ना। और खाना भी वैसा कुछ बनाना नहीं था, बस रोटी और सेवई हमने बना लिया पहले ही, और सामने सब लोग समोसा खा लिए थे। आराम से आराम से। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल एट माय चैनल इनहैंसिव डिफरेंस। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के वीडियो में कि कैसे हम लोगों ने कल रात में जो किचन जो है खाली किया और किचन की सफाई की, बहुत मेहनत लगा। और ये ऐसा करने में हम लोगों को 11 बज गया, सुबह सुबह 12 हो गया। तो और सुबह तो हम लोग मैं नाश्ता भी नहीं बना पाई, और बाहर से ही नाश्ता मंगवा कर लेकर गई। और माँ ने और इन्होंने भी जो बाहर का ही, और वो लिट्टी एंड छोला देता है तो वही लेकर गए। तो सुबह कुछ नहीं बनाया, सिर्फ चाय किसी तरह मैंने बनाया, और अभी पूरा वैसे ही बाकी है। तो देखते हैं कुछ पहले खा लिया जाए, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाएंगे, है ना। तो कल जो है 12 बजे 11 बजे तक जो है किचन का पूरा सफाई हुआ है, बट सामान अभी ऐसे ही फैला हुआ है। तो गाइज मैंने खाना तो खा लिया और फिर से आराम भी कर लिया। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर सॉरी आ जाता, क्योंकि देखिए मेरे पीछे आपको सामान दिख रहा होगा, है ना। तो ये सारा कुछ जो है धोया पोछा हुआ, तो इसे अरेंज करना है, तो अरेंज अकेले तो कुछ तो होता नहीं। तो मैं सॉरी का वेट करी थी, तब तक मैंने आराम भी कर लिया, और अभी ये आया नहीं है। तो फिर अगर ये भी रहते तो फिर काम चल जाता, बट अकेले तो ऊपर नीचे रखना पॉसिबल नहीं है। तो सॉरी आ चुका है, बट वो सैता निकला है साइकिल लेकर, देखते हैं। सॉरी अरे हाँ ना, फिर जल्दी करवाना होगा ना। सॉरी जल्दी जल्दी आ, नहीं देखो जेरी को भी घुमा दो जल्दी। तो इस तरह से सौर्य ने मेरा बहुत हेल्प किया, सौर्य हेल्प कर रहा है, सारा जो है मुझे पकड़ा रहा है, और मैं उसे पोछ कर रखते जा रही हूँ। रियली बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, है ना, छोटे मोटे काम में। तो बहुत ही ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील होता है वर्क करने में। तो इस तरह से जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा, नहीं तो फिर ऊपर नीचे करते करते आई डोंट नो कि कैसे हो पाता, बट बहुत ही ईजी वे में मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया। क्या हुआ सॉरी? सॉरी क्या हुआ? भाग गया था, भाग गया था। नहीं अभी पकड़ा भी गया उसको, तुम लोग घुमाते ही नहीं हो इसलिए भाग गया। तब घुमाता नहीं है ना इसलिए भाग गया। कोचिंग से आया तो घुमाया हो? हाँ भाई। फ्रेंड जेरी जो है भाग गया था बाहर, एक्चुअली सर आया तो उसे घुमाया नहीं, इसलिए वो बच्चों को खेलता हुआ देखकर वो भी खेल भाग गया। तो
इतना तो मैंने अरेंज किया, फिर और सारा आता तो फिर अरेंज करते हैं। तब तक जा रही हूँ, दिया दिखा लेती हूँ। क्या कहाँ घुस के बैठो? तुमको साफ करने के लिए बोले ना कि बाबू जो और कचरा निकाल दो। सर चुप ना रहो, गेट नहीं, खेल मत करो बेटा। सर ये क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी, इसमें कैसे बैठा हुआ है? सॉरी खेल नहीं करो बेटा, बहुत काम है, बहुत काम। तुमने घुसाई हो तो घुसाया तो साफ करने के लिए। ठीक है, तब तक लाओ, तब तक लाओ। लो ना, लो लो, इसे साफ करो। कालीन तो, कालीन तो इधर लो, पहले इसे पहले साफ करो अंदर से। वैसे सारा कुछ साफ है थोड़ा बहुत, है ना, अंदर अच्छे से एकदम। कहाँ साफ हो रही? हाँ तो दे रहा है ना, चलो लो लो। अरे वो लोहा वाला नहीं है? लोहा वाला नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल एट माय चैनल एनहांस्ड डिफरेंट स्किल्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। और एक्चुअली दीपावली का सफाई वगैरह करना था तो उसमें बिजी हो जाती थी, मैं स्कूल भी जाना होता था, तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा ब्लॉग क्यों नहीं डाला जाए। मैंने बहुत सफाई मैंने किया और बीच बीच में शॉर्ट्स में डाल भी रही थी। तो एक्चुअली आज मैं जो अपनी किचन को दिखाना चाहती हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं वो कह रहे थे कि मैम आप अपना किचन क्यों नहीं दिखाती, अपना घर को दिखलाइए। बट आज पूरा घर तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, आज बस जो है आज मैं अपना किचन का विजिट करवाऊंगी। बहुत ही छोटा है बट मैं दिखाऊंगी कि कैसा है। तो सबसे पहले आज मैं स्कूल से जब आई तो अपने ड्रेसिंग को मैंने साफ किया है ना, ड्रेसिंग को मैंने साफ किया तो मैं सोच रही इसे भी दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने ड्रेसिंग को इस तरह से अरेंज कर लिया है ना, क्योंकि साल भर लगभग अच्छे ढंग से नहीं अरेंज हो पाता, तो मैंने सोचा कि पहले इसे भी एडजस्ट करने में मेरे को 1.5 से 2 घंटा लग गया है ना। बट ये हो गया, ये सारा कुछ मैंने अरेंज कर दिया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं सारा सामान वो सब मैंने रख दिया, छोटा मेरा अरेंज हो चुका है ड्रेसिंग। तो फ्रेंड्स चलते हैं नीचे कि आके पहले यहाँ का फैन ऑफ कर दे रही हूँ। तो मैंने जो है किचन कैसे अरेंज किया है, उतना कोई खास तो नहीं जैसे जैसे समय, बट फाइनली जो भी था वो मैंने अरेंज कर लिया। तो दिखाते हैं कि कैसे मैंने किया हुआ है ना। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे उतरते हैं तो ये मेरा रहा डाइनिंग स्पेस। देखिए ये आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे, आज मैं दिखा रही हूँ ऊपर से मैं नीचे उतरी। ये मेरा डाइनिंग स्पेस थोड़ा बड़ा है ना, ये डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे मैंने फ्रिज रखा हुआ, और ये नॉन वेज का जो है बनाने वाला किचन है। मैंने सारा पोंछ कर जो है गैस को मैंने ढक दिया है, क्योंकि अभी तो नॉन वेज बनना नहीं है, है ना। तो ये मैंने ढक कर अच्छे से रख दिया, सारा कुछ मैंने पोंछ दिया है। और ये देखिए इसके नीचे नॉन वेज के लिए जो भी बर्तन वगैरह है मैं इसमें रखती हूँ, है ना। दो मैंने इसमें ट्रॉली बनाया हुआ है इस तरह से जो है। ये मेरा नॉन वेज का यू कैन से कि ये किचन है छोटा सा, ये डाइनिंग हॉल से ही अटैच्ड है। और उसके बाद इसके बगल में ये देखिए, ये दो जो है जो इसमें मैंने दोनों में सिलेंडर ही रखा हुआ है ना। जो भी एक्स्ट्रा 4 सिलेंडर है तो दो इसमें रख देते हैं, और एक जो है किचन में लगा हुआ है और एक जो है पड़ा हुआ है उधर गैरेज में। और इसी से देखिए ये सिंक जो अटैच्ड है, ये नॉन वेज के लिए है, और कुछ उसमें बर्तन अभी पड़ा हुआ है क्योंकि काम वाली अभी आई नहीं है। और जस्ट उसी के बगल ये पार्टीशन है, और ये मेरा जो है किचन है ना। इसमें नॉन वेज हम लोग नहीं बनाते, छोटा सा है। और देखिए मैं जो है इसे दिखा दे रही हूँ नीचे से ऊपर तक, ये ऊपर वाला जो है मुझसे खुलेगा तो नहीं, बहुत ऊंचा है और शॉर्ट भी नहीं है और कोई भी घर पे नहीं है तो मैं इसे खोलकर नहीं दिखा पाऊँगी। इसमें जो है बड़े बड़े जो बड़ा सा जो कंटेनर होता है वो सब रखे हुए। और ये देखिए ये गैस के ऊपर चिमनी, और इस तरह से स्लैब है ये मेरा, है ना। छोटा सा किचन है, ज़्यादा कोई मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी दिखाना, है ना। कलर कॉम्बिनेशन यही है येल्लो एंड ग्रे का, और मैं इसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये इसमें मैं चावल का एक कंटेनर है, और देखिए इसमें आटा है, और वो पीछे जो है उसमें जो भी ग्रॉसरी का सामान एक्स्ट्रा रहता है तो उसमें मैं रख देती हूँ, है ना, ग्रॉसरी का सामान। और ये जो है दाल है डेली यूज़ के लिए जो दाल होता है उसे, ये चारों मैं इसी में रखती हूँ। और देखिए ये इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, इसी वे में ये जो है बंद हो जाता है। और इसके बगल में ऊपर जो है देखिए इस तरह से ड्रॉवर है जिसमें मैंने बिस्किट मिक्सचर व्हाटएवर जो खाने का जो सामान एक्स्ट्रा होता है मैं इसमें रख देती हूँ खोलने के बाद। और इसके नीचे जो है यहाँ पे मैंने रखा हुआ एक डब्बे में चीनी, और ये गोल वाले डब्बे में पापड़ वगैरह है। और इसके बगल में देखिए यहाँ पे जो जाली लगा हुआ है इसमें सिलेंडर रखते हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे तेल के दोनों जो फार्चून यानी कि रिफाइन और सरसों तेल का जो डब्बा मैं इसमें रखी, और कुछ एक्स्ट्रा जैसे इडली स्टैंड वगैरह जो है वो मैंने रख दिया। इसके जस्ट बगल में ये जो है बर्तन का ये ट्रॉली है, इसमें जो है मैंने चम्मच वगैरह रखा हुआ है,
और इसके नीचे जो है छोटे छोटे, जैसे इसमें मेनली जो है लंच बॉक्स वगैरह रखते हैं। अभी लंच बॉक्स पूरा जो है धोया हुआ नहीं, क्योंकि काम वाली नहीं आई है। और इसमें प्लेट्स वगैरह और थाली जो है इसमें रखा जाता है, है ना, देखिए। और इसके जस्ट बगल में दो और ट्रॉली है जिसमें बड़े बड़े जो है कढ़ाई वगैरह जो है मैं रखती हूँ। इसके नीचे भी देखिए इस तरह से दो ट्रॉली, ताकि बड़े बड़े जो है बर्तन इसमें आ सके, डेक्ची वगैरह। और यहाँ पे है सिंक वाला एरिया जो कि ऐसे ही रहता है, इसमें डस्टबिन रख देते हैं कभी कभी। और अभी काम वाली आई नहीं तो बर्तन ऐसे ही पड़ा है। और ये मैंने ऑनलाइन बुक करवाया था, इसमें जो बर्तन धोकर रख देती है और फिर उसे बाद में मैं अरेंज कर लेती हूँ। और अभी मैं स्कूल से आकर चाय बनाई थी, और इसके ऊपर देखिए मैंने चिमनी लगाया हुआ है, ये हैंडवेयर का चिमनी है। और अब मैं ये पोर्शन को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने शीशी का ग्लास, कप वगैरह मैंने दोनों पे रखा हुआ है। और इस साइड में जो है ऊपर वाले में ग्लास वगैरह और कुछ जो है बर्तन जो है एक्स्ट्रा मैंने रख दिया है, है ना, स्टील का सारा जो है ये स्कूल से मुझे मिला था वही सब है। और इसके नीचे जो है मैंने रखा हुआ है, देखिए कैसरॉल है, और ये कुछ ये प्लेट्स वगैरह है, जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसे मैं निकालती हूँ। तो ये सब समझ लीजिए कि ये डेली यूज़ का कोई बर्तन इसमें नहीं है, ये आराम से इसमें पड़ा हुआ रहता है, जब कोई आता है तो फिर निकालना होता है जब एक्स्ट्रा बर्तन की ज़रूरत होता है तो। और इस साइड में मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने रखा है ओवन, है ना, और इसका यूज़ भी बहुत आजकल कम हो पा रहा है। इसके ऊपर मैंने ट्रेस वगैरह जो किक पैन वगैरह है वो मैंने रख दिया है अरेंज करके। तो इस तरह से अब मैं मेन जो किचन का जो है वो मैं दिखा रही हूँ, और वो है मसाले का अड्डा। यहाँ पे छोटे छोटे जो है डब्बे में मैंने सारा मसाला करके रखा हुआ है सारा कुछ। और इसके ऊपर जो पैकेट्स का जो डेली में तो मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रबर में बांध करके फिर मैं इसे रबर लगा कर रख देती हूँ ये ऊपर। ये सारे डब्बे हैं मसाले के, डिफरेंट मसाले के। और इसके बगल में यहाँ पे देखिए यहाँ केक बनाने का जो है, पिज़्ज़ा बनाने का मसाला, और कुछ कुछ जो है खाने पीने का जो है चूड़ा वगैरह का डब्बा यहाँ पे रखा। और ऊपर दाल है, बेसन, सत्तू, ये सब का बर्तन जो है मैंने ऊपर रखा हुआ है। इस तरह से ये एरिया जो है मसाले एंड जो है खाने का सामान से भरा हुआ है। अब मैं दिखा रही हूँ इस साइड का, इसके जस्ट बगल में मैंने क्या रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ जो है खाने पीने का सामान जो है रखा है, ऊपर बिस्किट्स वगैरह, नीचे भी रखा हुआ है इस तरह से जो है मैंने रखा है। बस यही है मेरा छोटा सा किचन, ऊपर का मैं पोर्शन नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी जो है जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी। मैंने चेयर भी लगा कर कोशिश किया बट नहीं हो पाया ऊपर दिखाने का। और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन पिछले साल मंगवाया था रैक, यहाँ पे चीनी, चायपत्ती और नमक का डब्बा मैंने एक पे रख दिया, एक पे अचार है, रिफाइन है, तेल का डब्बा, और ऊपर कुछ मिसलेनियस जो है वो सब डब्बे हैं। और इधर जो है कप स्टैंड है, इसमें मैंने कप को हैंगर पे रखा हुआ है। ये रैक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑनलाइन मैंने मंगाया था। और यहाँ पे सिंक के साथ ये जो है मिला था, उसमें मैंने मिसलेनियस सामान रखा। और ये मिक्सी है मेरा कॉर्नर में रखा हुआ है ना, और उसी में मिक्सी का जार मैं रखी हुई है नीचे जो सिंक के साथ मिला था, है ना। एक्चुअली इसमें कप वगैरह रखने के लिए था बट मैंने इसका यूज़ अदर वर्क में कर लिया। तो ये मेरा छोटा सा ये किचन है, और ये पार्टीशन, और यहाँ पे नॉनवेज के नीचे जो सिंक का एरिया वहाँ पे मैंने डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के पास ही डाइनिंग हॉल में मैंने बेसिन लगवाया है, और यहाँ पे मैंने कूलर रखा हुआ है, है ना। गर्मी के मौसम में ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और ये रहा सीढ़ी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन का विजिट करवा दिया, छोटा सा प्यारा सा है, और मैंने दीपावली का सफाई किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ किचन को शेयर किया जाए। बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि अपने किचन का और घर का पूरा जो है शेयर करने के लिए, बट अभी तो किचन हुआ है। और ये किचन जो है मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम जो है किचन में ही स्पेंड होता है। जब मैं घर पर होती हूँ कभी कुछ बनाना, नाश्ता खाना, चाय पानी, ये सब होता रहता है। तो सबसे पहले मैंने किचन ही साफ़ किया, बट वैसे मैक्सिमम जो है मेरा घर जो है सारा कुछ साफ हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना किचन का विजिट करवाया जाए, ये वीडियो बना डाला। और आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में उसको सफाई करते हुए, उसे साफ करने में स्कूल जाते हुए मुझे 4 डेज लगे, 4 डेज किचन क्या नीचे का जो है डाइनिंग हॉल एंड उसी से जो है सेटा हुआ है जो ड्राइंग रूम है, वो सारा मेरा नीचे का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ऊपर भी कंप्लीट हो चुका है, बट अभी थोड़ा पर्दा जो मैंने धोकर रखा हुआ वो अभी अरेंज नहीं हुआ, बस ऐसे ही, बट सारा सफाई हो चुका है। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को लास्ट करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा किचन का विजिट अच्छा लगा होगा, छोटा सा बट प्यारा सा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दे, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, लाइक शेयर तो करें ही। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।